पुणे व पुष्कर की तर्ज पर ही नोएडा के फार्म हाउस में पूल पार्टी से लेकर नाइट शो का आयोजन होता है। इस पार्टी में कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती है जिसकी वजह से लोग यहाँ चिल्ले आते हैं। यहाँ लड़कियों का इस्तेमाल डांस से लेकर स्विमिंग पूल में नहाने तक किया जाता है। गौरतलब है कि साल के पहले रेव पार्टी में गिरफ्तार किए गए आयोजकों ने गोवा पुष्कर पुणे के द्वारा कर पूल पार्टियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। इसके बाद नोएडा में पूल पार्टी को व्यावसायिक तरीके से चलाने की योजना बनाई गई। अब तक ये लोग नोएडा के इस फार्म हाउस में 50 से अधिक पूल पार्टियों का आयोजन कर चुके हैं। दरअसल दिल्ली में शक्ति के बाद यमुना नगर के क्षेत्र में पार्टियों का आयोजन की जाती थी। इन पार्टियों में शराब के साथ साथ गांजा व अन्य नशा कहता था। यमुना खदर का इलाका जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के किनारे है, वहाँ सैकड़ों फार्म हाउस है। ये उजाले में नहीं बल्कि रात में गुजार होते हैं। खासकर वीकेंड पर यहाँ पार्टियाँ होती है। धीमे लाइमलाइट डीजे पर डांस से लेकर शराब परोसी जाती है। अभी स्कूल पार्टी के खुलासे के बाद साबित हो गई है कि स्थानीय पुलिस इसमें मिलीभगत रहती है। पहले नोएडा के फार्म हाउसों में छोटी पार्टियां जैसे ऑफिस परिवार पार्टी होती थी, अब यह व्यावसायिक पार्टियां होती है। इसके लिए लाखों रुपए की वसूली भी होती है। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।